कोविड सुपर मॉडल पैनल की चेतावनी ने चिंता बढ़ा दी। पैनल की माने तो फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर तय है, लेकिन राहत की बात यह है कि यह दूसरी लहर से कमजोर। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। नेशनल कोविड 19 सुपर मॉडल पैनल का अनुमान है कि अगले साल फरवरी महीने में कोरोना पीक पर होगा। नेशनल कोविड 19 सुपर मॉडल कमेटी के हेड विद्यासागर ने कहा है कि भारत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर आएगी, लेकिन ये दूसरी लहर से कमजोर होगी। अगर तीसरी लहर आती है तो देश में कम से कम 2 लाख दैनिक मामले आने की संभावना है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारत के अधिकतर लोगों में कोरोना की दूसरी लहर में इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। हालांकि ये याद रखिए, ये केवल एक अनुमान है, सावधान रहना जरूरी है। और अब तक देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन के 153 केस सामने आ चुके हैं। कल और 10 नए मामले सामने आए हैं, इनमें 15 साल का एक बच्चा भी शामिल है। देश में 24 घंटे के दौरान ओमिक्रॉन के 10 नए केस मिले, इनमें महाराष्ट्र के 6 और गुजरात के 4 केस शामिल हैं। 4 मामले मुंबई एयरपोर्ट पर हुए जांच में सामने आए हैं। वहीं पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में 1-1 ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया। देश में सबसे ज्यादा 54 ओमिक्रॉन संक्रमित फिलहाल महाराष्ट्र में है। गुजरात में विदेश से लौटे 3 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। वहीं एक संक्रमित दुबई से लौटी थी। यूके से लौटे 2 संक्रमितों में 1 NRI और 15 साल का बच्चा भी शामिल है, जबकि गुजरात के राजकोट में 23 साल का स्टूडेंट ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।